हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पर देखिए पोर्टोलॉका में कितनी अच्छी फ्लावरिंग है, और यहीं पर देखिए ये टिकोमा येलो वाला, इसमें भी अच्छी फ्लावरिंग होने लग गई है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों देसी रोज़ पे। इधर देखिए ये बोगनविला में भी अच्छी फ्लावरिंग चल रही है, सभी प्लांट में थोड़ा थोड़ा फ्लावरिंग अच्छे से होने लगी है। तो बारिश स्टार्ट हो गई है, मॉनसून सीजन आ गया है दोस्तों। और देसी गुलाब पे हमें इससे पहले जुलाई के मंथ में हमें ये वर्क कर लेना चाहिए, ताकि हमारा प्लांट हेल्दी रहे और आने वाले टाइम में हमें फ्लावरिंग भी अच्छी दे। तो 4-5 टिप मैं आपको बताऊंगी जो आपको फॉलो करनी है इस टाइम पे, जुलाई के मंथ में आपको ये काम कर लेने हैं गुलाब के प्लांट पे। तो सबसे पहले दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे ये मेरा गुलाब का पौधा है, ये देखिए कितना हेल्दी सा है, इतने सारे ब्रांच हैं इसमें, 2-2.5 साल का प्लांट है मेरा ये। तो सबसे पहले हमने प्लांट की गुड़ाई कर देनी है अच्छे से, ये देखिए ये मैंने गुड़ाई कर दी है। और इसकी गुड़ाई हमें 10 से 15 दिन में करते रहना है, हफ्ते में एक दिन भी आप, हफ्ते में एक बार भी आप कर सकते हो। तो ये देखिए मेरे 12 इंच के पॉट में ये लगा हुआ है प्लांट, और एक ही पौधा है इसमें ये। तो गुड़ाई हमें 10 से 15 दिन में ज़रूर करनी है, क्योंकि क्या है बारिश के दिनों में प्लांट में क्या है काई सी जमने लग जाती है, जो प्लांट में रूट्स का एरिएशन रोक लेती है। जैसे ये देखिए आप थोड़ा थोड़ा हरा हरा से ये आपको दिख रहा है ना इस प्लांट में, ऐसे पूरी मिट्टी पे एक लेयर से जम जाती है, तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है उससे। तो उसको हमें गुड़ाई करके ही ख़त्म कर सकते हैं उसको, क्योंकि बारिश के दिनों में बारिश होती रहती है, पानी से काई जमती रहती है। और इस तरह की जो सूखी पत्तियाँ हैं इन्हें सभी हमें रिमूव कर देना है। तो फर्स्ट टिप तो ये हो गई है दोस्तों। और अगले टिप है, यहाँ पर ये देखिए ये जो भी सूखी पत्तियाँ हैं प्लांट पे, जो पुरानी पत्तियाँ उन्हें सभी हमें रिमूव कर देना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसमें कर रखी हैं पहले से ही, तो सभी को हमने रिमूव कर देना है, ताकि जो हमारी नई नई सूट इस टाइम पे जो निकल रही हैं प्लांट में, ये देखिए तो अच्छी ग्रोथ इनकी निकल कर आए, और ये हेल्दी हेल्दी से हो जाए अच्छे से, क्योंकि पुरानी पत्तियों को रिमूव करेंगे तभी इनकी ग्रोथ, प्लांट जो है अपनी एनर्जी इनमें लगा पाएगा, नहीं तो ये पुरानी पत्तियाँ वही प्लांट की एनर्जी खींचते रहेंगे। तो सभी जो पुरानी पत्तियाँ उन्हें हमें रिमूव कर देना है। तो थर्ड टिप है दोस्तों, जो हमारे प्लांट है उसकी अच्छे से गुड़ाई करके हमने इस टाइम पे थोड़ा फर्टिलाइज़र हमने इसको दे देना है। तो मैंने यहाँ पे लिया है, ये देखिए सबसे पहले हमने इसमें गोबर की खाद देनी है, ये देखिए। तो प्लांट की गुड़ाई आप एक दिन पहले कर दें, देखिए पॉट की मिट्टी में से ये सारी सूखी पत्तियाँ जो हैं वो निकाल दें, नहीं तो फंगस वगैरह का डर रहता है बारिश के दिनों में, और गुलाब में तो बहुत जल्दी फंगस लगता है, इसको क्लीनिंग पसंद है गुलाब के प्लांट को। तो ये टिप हमें ज़रूर करनी है, सारी पत्तियों को हमें निकाल देना है। तो ये देखिए साइड साइड में हमें बिल्कुल डालना है, ऐसे हमें मिट्टी को थोड़ा ऊपर कर लेना है, तो साइड में से बिल्कुल पॉट की दीवार के पास हमने फर्टिलाइज़र डालना है। ये देखिए एक मुट्ठी हमने गोबर की खाद डालनी है प्लांट में, तो क्या है कि प्लांट हमारा जो है अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा, जो नई नई सूट्स निकल रही हैं वो अच्छे से ग्रोथ कर पाएँ। तो प्लांट में खाद इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है, तो इस टाइम हमें गुलाब में खाद दे देना है। और ये देखिए गोबर की खाद बिल्कुल डिकम्पोज होनी चाहिए। इसके बाद हमने देना है नीमखली, ये देखिए एक चम्मच के बराबर हमने नीमखली देनी है, ये मुझे 2-3 प्लांट में देनी है इसलिए मैं, ये देखिए इतना सा एक चम्मच के बराबर बिल्कुल रूट्स के साइड साइड में पॉट के इस तरह से सब में हमने दे देना है। और इससे क्या है फंगस वगैरह नहीं लगेगा, प्लांट्स की रूट्स जो है मजबूत होंगी। तो यहाँ पर देखिए ये है स्टोन डस्ट, ये बोन मिल का काम करता है, इससे क्या है फ्लावरिंग अच्छी होती है, फ्लावर का साइज़ भी अच्छा होता है, प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो मेरे पास मैं हमेशा इसका यूज़ करती हूँ, ये एक ऑर्गेनिक है, तो मार्केट में हमें बोन मिल भी मिलता है उसका हम यूज़ कर सकते हैं, मैं वो यूज़ नहीं करती। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप बोन मिल का यूज़ करें, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये भी हमने एक मुट्ठी के बराबर ही
देना है ताकि फ्लावर का साइज अच्छा निकल कर आए और अच्छी फ्लावरिंग करे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा मैंने इसमें डाल दिया है, ये देखिए अच्छे से। और लास्ट फर्टिलाइज़र है हमारा, ये देखिए, ये इसमें हल्दी, ये भी ऑर्गेनिक होती है। और आप चाहो तो केमिकल में फंजीसाइड यूज़ कर सकते हो, तो फंजीसाइड को हमें पानी में घोल कर देना है। चाहो तो आप 2 से 3 ग्राम साइड साइड में डाल सकते हो, मिट्टी में मिक्स कर सकते हो इसकी। तो पानी जब दें आप तो फंजीसाइड उसमें घोल कर दे दें तो वो अच्छे से रूट्स तक पहुँच जाता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा ये भी फंगस से बचाता है प्लांट को, कोई भी कीड़ा मकोड़ा होता है प्लांट के रूट्स में मिट्टी में तो वो ये ख़त्म करता है, प्लांट को हेल्दी रखता है, कोई भी फंगस वगैरह से प्लांट को बचाता है। तो ये हेल्दी हम सभी प्लांट में यूज़ करते हैं, मैं तो सभी प्लांट में इसी का यूज़ करती हूँ। कभी फंजीसाइड का भी कर लेती हूँ, अगर वो नहीं होती है तो मैं हल्दी का करती हूँ। तो ये देखिए ये सब फर्टिलाइज़र हमने इसमें डालना है, देखिए अच्छे से हमने इसको ढक देना है सभी को इस तरह से हल्का हल्का सब मिक्स करके यहीं पे, फिर इसको हमने ढक देना है। तो नेक्स्ट टिप है दोस्तों, ये जो भी पुरानी फ्लावरिंग होती है प्लांट पे, ये देखिए यहाँ पे मेरा ये जो है देसी वाइट का है, तो ये सब हमें सॉफ्ट प्रूनिंग इसको बोलते हैं, जो हम प्लांट पे हमेशा ही करते रहते हैं ताकि ये अच्छी ग्रोथ कर सके प्लांट और नए नए सूट्स इसमें साइड से निकल सकें, तो फ्लावरिंग हमें ज़्यादा मिलेगी नहीं, क्योंकि टिप पे ही फ्लावरिंग होती है इससे। तो ये भी हमें फॉलो करनी है इस तरह से, इसको सॉफ्ट प्रूनिंग बोलते हैं। तो नेक्स्ट टिप है दोस्तों, इसको जो बारिश के दिनों में हमें ऐसी जगह रखना है जहाँ इस पर ज़्यादा बारिश भी ना लगे और इसको बारिश का पानी भी मिलता रहे। अगर ज़्यादा पानी मिलेगा बारिश का तो इसमें फंगस वगैरह लग सकता है, तो इसको हमें ऐसी जगह रखना है जहाँ पे इसको थोड़ी बहुत बारिश लग जाए, 10-15 मिनट की अच्छी बारिश जो होती है वो बहुत है इसके लिए, काफ़ी है। तो वो हमें ज़रूर करना है क्योंकि बारिश से प्लांट ज़्यादा पानी से ख़राब भी हो सकता है। तो ये सब टिप हमें फॉलो करनी है तो आपका प्लांट हेल्दी रहेगा। ये देखिए नई नई सूट्स इसमें निकल रही हैं सभी में, ये देखिए सारी ब्रांच में। तो ये क्या है, अब हमने जो फर्टिलाइज़र दिया है उससे क्या अच्छी ग्रोथ कर पाएगा ये, और ये जो नई सूट्स हैं वो हेल्दी निकल कर आएंगी, बिल्कुल हेल्दी होंगी, तो फ्लावरिंग भी अच्छी करेगा, फ्लावर का साइज़ भी अच्छा आएगा थोड़ा, क्योंकि इस टाइम पे क्या है कि फ्लावर थोड़ा छोटा होने लगा है। तो बस दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय दोस्तों।